उत्तर प्रदेश प्रशासन बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। पिछले कुछ दिनों में हुए लगातार एक्शन तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। कभी मऊ में मुख्तार से जुड़े लोगों की संपत्ति ध्वस्त की जा रही है, तो कभी गाजीपुर में करोड़ों के कीमत की प्रॉपर्टी सामने आ रही है। पिछले दिनों लखनऊ में भी मल्टी स्टोरेज इमारत ढहाई गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संपत्ति मुख्तार के बेटों के नाम पर थी। अब जो खबर सामने आ रही है वो मुख्तार खेमे की चिंता में और भी इजाफा कर सकती है। लखनऊ से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्तार के खिलाफ चल रही इस कार्रवाई को और विस्तार देने की योजना बना ली गई है। कहा जा रहा है कि अब बाहुबली विधायक के परिवार के दूसरे लोगों के नाम पर भी मौजूद कथित रूप से अवैध संपत्तियों पर निशाना साधा जाएगा। इस मामले में गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के नाम की एक संपत्ति का जिक्र किया जा रहा है। ये संपत्ति लखनऊ के डॉली बाग में स्थित बताई जा रही है और इसके नक्शे को लेकर विवाद होने की बात कही जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लखनऊ विकास प्राधिकरण अब इस पर भी विधिक सलाह ले रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के संबंधियों ने निष्क्रांत संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। अब प्रशासन इसकी पूरी रिपोर्ट बना रहा है। आपको बता दें कि आजादी के बाद जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए उनकी जमीन यही रह गई। इसे ही निष्क्रांत संपत्ति कहा जाता है। भारत सरकार ने काफी हद तक ऐसे संपत्तियों को सूचीबद्ध किया है, लेकिन बहुतों पर कब्जा भी है। आपको बता दें कि मुख्तार पर हो रहे प्रदेश व्यापी कार्रवाई के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ के पर्सनल ऑफिस के हैंडल से ट्वीट करके कहा गया था कि माफिया मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य के अंत का समय आ गया है। ट्वीट में दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक 66 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त हो चुकी है। गिरोह के 97 साथी पुलिस हिरासत में है। जाहिर तौर पर ये पूरा मामला अब ढका छिपा नहीं रह गया। हालांकि अप्रत्याशित तौर पर मुख्तार अंसारी के खेमे से कोई खास बयान सामने नहीं आया है। हालांकि मुख्तार अंसारी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर जरूर मोर्चा खोल रखा है। समर्थकों का आरोप है कि सारी कार्रवाई राजनीति के वशीभूत होकर की जा रही है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।